नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के लाजपत नगर निवासी कपड़ा व्यापारी ने गत दिनों खुद को मारी थी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। फिरोजपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले दो लोगों को किया गिरफ्तार, 3,42,000 रुपयों की नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। गत दिनों खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारने वाले लाजपत नगर निवासी मानव खुराना की मौत हो गई। मानव खुराना जो कि दैनिक बाजार में कपड़े का व्यापार करते थे, निजी अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने शनिवार को खुद को गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और गत दिवस उन्होंने दम तोड़ दिया। तो वहीं बस स्टैंड चौकी प्रभारी मेजर सिंह ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि वे पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगी। मानव खुराना के इस कदम के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और सभी संभावित कोनों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में और जानकारी साझा करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। एक ने अपने घर के अपने लसनसी रिवालवर न अपने गोली मार ली सी, अज उसकी डैथ हो गई है। वो वाइफ का घरदा का बयान लिख रहे हैं, बयान के हिसाब से जो बनती कार्रवाई करा। रोजपुर पुलिस द्वारा बुरे तत्वों के खिलाफ एसएसपी सौम्या मिश्रा द्वारा बनाई गई स्पेशल टीम ने नकली नोट बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं एसएसपी सौम्या मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना कुलगड़ी के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर दो लोगों जसकरण उर्फ राजन और आकाश उर्फ लड़ा को 3,42,800 रुपयों की भारतीय नकली नोट सहित काबू किया गया, जिनके पास एक प्रिंटर भी बरामद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। सानू पता चला सीगा कि एक बंदा जेड़े जाली नोट होते हैं वो वरतों कर रहा है, तो उस लिंक के उपर काफ़ी समय तो वर्कआउट करते करते साड़ी CIA की टीम, साड़ी PS कुलगड़ी की टीम ने अगे फॉलोअप किया। तो इनू एक जसकरण सिंह नाम का बंदा जिड़ा जीरा दे विच रहिंदा है वो इनू मिलिया। इन्होंने और इनपुट से काम किया तो पता चला कि यह जिहड़ा बंदा हैगा ये ना ही जाली नोटों की वरतों करता है बट वो नाल नाल जाली नोट छापता भी है। उत्थे रेड करके ये सक्सेसफुल हुए और टोटल इन्हों एक प्रिंटर रिकवर होया है, तो वो छपे तो अछपे नोट 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के भी बरामद हुए हैं। टोटल जी अमाउंट की हूँ तक रिकवरी छपे तो अछपे नोट की जी साढ़े सामने आई है वह 3,42,800 रुपये है। सानू ये भी पता चला कि इस ये पबजी खेलता सीगा, तो उसके नाल ये एक इनफॉर्मर या जो भी इसका बंदा हैगा उसके नाल कॉन्टैक्ट से आया, तो उसके नाल मिलके इसने सीखा कि किवें नोट बनाना है। फर्दर आप इस कहता है जिवें कि इन्हें गूगल ते इंटरनेट ते यूट्यूब की सहायता से ये पता किया कि कौन सा प्रिंटर मंगाना ने, कौन सी इंक यूज़ करनी है, तो जिहड़े साडे नोट के सिक्योरिटी फीचर्स होंगे हैं उन्हें किवें कॉपी करना है। ये करने तो बाद इन्हें काफ़ी टाइम अपने घर के विचकार ही ट्रायल एंड एरर की, तो काफ़ी नोट दसदा ने वेस्ट भी हुए। अमृतसर में आए दिन लूटपाट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला अमृतसर के लॉरेंस रोड चौक में सामने आया है, जहां पर देर रात एक वरना गाड़ी सवार नौजवानों की ओर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित नौजवान अतुल शर्मा ने बताया कि वह एक अस्पताल में रिसेप्शन पर काम करता है और देर रात वह खाना खाने के लिए लॉरेंस रोड चौक में गया था। इस दौरान वरना कार में सवार नौजवानों की ओर से उसे टक्कर मार दी गई, जिसके बाद कार सवार नौजवानों ने उसके सिर पर पिस्तौल तान दी और उसकी जेब से 53,000 रुपयों तक की नकदी और उसके बुलेट मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उसने PCR कर्मचारियों को दी। वहीं जब इस संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस अधिकारी अमोलक सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं, जल्द ही दोषियों को
ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਸੰਧੂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਨਾਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਨਾਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਨੈਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਕੁ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋਅਪ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਵਰਤਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੋਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 53,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਸਰ 4-5 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਵਰਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ 37 ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਰ? 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹਥੂਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕੋ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਬਸ ਪਿਸਟਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਪਿਸਟਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਮਰ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਮੁੰਡੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਮਲੀ, ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਮੂੰਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ, 5ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਬੰਦੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਰਨਾ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਵਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਸੀ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 9626 26 96 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ? ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ 53,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਬੁਲਟ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ? ਫੋਨ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਓਪੋ A5S ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਅ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਘੜੋ ਘੜ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ 53,000 ਰੁਪਈਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਸ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਪਾਸ ਦੋ ਪਕਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀ ਖਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਤੇ ਹੋਏ PPS ACP ਨੌਰਥ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ
वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। पुलिस द्वारा केस दर्ज किया जा रहा है और घटना से संबंधित सभी सबूतों को एकत्रित किया जा रहा है। इस गोलीबारी के पीछे के कारणों और संभावित उद्देश्यों की जांच की जा रही है। भी पुलिस ने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इधर से झगड़ा हुआ, मेरे बच्चे थे। नाम क्या तुम्हारा? अंशी है। अंशी, हाँ। क्या बात है? वहाँ पर बैठे हैं कल को, इसको दुआई दिला के लेके आए थे, है ना। और ये मेरे बच्चे थे दोनों, वो झगड़ा हुआ ना, अब ये लड़की तो मेरी यहाँ पर हुआ मसोला दिया था। अरे बच्चों को लेके मैं चाय पिलाने के लिए वहाँ से बात दे दिया, चाय पिलाने के लिए मेरे को चाय पिलाएंगे बच्चे। अब अतने से होता है इधर से खाली थार आई थी उसको भी, और वो बंदे इधर भी खड़े होते हैं, वो भी खड़े होते हैं। वो तो आज जैसे आया ना, जैसे वो गाड़ी पे कोई की मार रहे हैं, पत्थर की मार रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, जितना हम तो क्या क्या चला रहे हैं, कौन कौन हो गया करके। वो 10-12 गाड़ी थी बाबू, फिर जितने हम तो फिर मेरा तो उधर तो ध्यान नहीं दिया मैंने, और मेरे दोनों बच्चे को पकड़ के और इसको पकड़ के मैं इधर साइड में आ गए। हाँ उधर चला रहे थे वो, उधर उधर। अच्छा, हाँ उधर। उसका तो वहाँ सब लोगों ने सुना, इधर हाँ सब लोगों ने सुना उसका, तो उधर चल रहे थे वो गोली। कितनी गोली चली कुछ पता है? दो, मेरे को तो एक बार का ही ध्यान है, फिर तुम्हें बच्चे को लेकर इधर साइड। हाँ ध्यान है ना, दो बार। मामला जी कोई राह की सिखा जनता उन्होंने को आपसी की रंजिश होगी या कदा वो जो कि साढ़ा अगे नाका लगा सगा पठानकोट चौंक दे विच, ते वो बंदे नू कुट रहे सगे, सानू कि राह की ना जाके दस्या भी बंदे नू वाढ टोक कर रहे आ, ते असी उहदे पिछे गए। उन्नी पंज फैर वो बंदे ते कीते, ते चार जां पंज फैर, ते जिहदे विचों एक जिंदा रौंद बरामद कर लिया, ते दो चले हुए कारतूस बरामद कीते आ, वो मेरे कोल इस वेले। वो बंदे ट्रांसपोर्ट नगर वालों फायर करदे चल गए आ, ते जिहड़ा जख्मी आ बंदा वो असी कपूर हॉस्पिटल दाखल कराता जी। किन्ने बंदे जख्मी आ? ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ? ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਰ। ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ? ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਜੂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਟੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। स्वतंत्रता दिवस के संबंध में थाना सिटी जीरा पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर बस स्टैंड जीरा में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी जीरा के SHO इंस्पेक्टर कमलजीत राय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में जीरा वासियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शहर के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि बस स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मानयोग पंजाब सरकार दी हदायतों मुताबिक SSP फिरोजपुर श्री सोनिया मिश्रा जी की हदायतों मुताबिक DSP जीरा साहब की हदायतों मुताबिक जिहड़े बस स्टैंड की चैकिंग की गई है 15 अगस्त के मद्देनज़र रखदा कि कोई भी जी अनसुखानी घटना वापर सके। बस स्टैंड जो मार्केटा ने उन्होंने चैकिंग की गई है, तो जो जो कि मतलब जेडे कि जोड़े वो जो आंसर है कहने माड़े आंसर उन्होंने जोड़ा कि हिदायत की जाए कि यह जी गलबात नहीं शरारती आंसर मिलता वो कानून मुताबिक जी कार्रवाई की जाऊगी, उन्होंने जो भी कार्रवाई होगी तो करके भी चैकिंग हो रही है। बाकी अभी बार बार जितना हर महीने 10-7 दिन बाद जोड़े कोई भीड़ वाले एरिए वो जो कि चैकिंग करते रहते हैं। शरारती जोड़े है आंसर जोड़े बुलट मोटरसाइकिल वगैरह जो दूजे जिन्हों के कागज नहीं है पटाके पेंदे ट्रैफिक इंचार्ज मेरे नाल है जी, उन्होंने ही चलान कटते हैं 207 में बंद कर दें। कई मोटरसाइकिल थोड़े दिनों के बाउंड भी किए हैं। समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा हल्ला बोलते हुए जीरा शहर के अलग अलग इलाकों में रेड की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी जीरा के SHO इंस्पेक्टर
कमलजीत राणा ने बताया कि माननीय एसएसपी फिरोजपुर की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों और डीएसपी जीरा की अगुवाई में जीरा पुलिस की ओर से नशा तस्करों व समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चढ़ाई की मुहिम के तहत जीरा के अलग अलग क्षेत्रों में रेड की गई और इस मौके पर कई वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया गया। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। तहत नशे का कारोबार करने वाले उन्होंने चैकिंग की जा रही है। इस तो अलावा जो शकी आदमी ने उन्होंने भी चैकिंग की जा रही है, तो वहीकलों की चैकिंग की जा रही है ता जो माड़े अंसर के जो है खेल कसी जा सके। लोगों सिक्योरिटी की समस्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां के लोगों ने अलग रूप धारण कर लिया है और जगह जगह पर आग लगाई जा रही है व मंदिरों एवं गुरुद्वारा साहिबों पर भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश में जो राजनीतिक स्थिति है वह बहुत खराब हो चुकी है। वहाँ के लोगों की भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी चिंता यही है कि वहाँ पर जो उनके ऐतिहासिक स्थान है वे निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वे उन्होंने सरकार से अपील की कि बांग्लादेश में जितने भी कम संख्यक लोगों से संबंधित स्थान है और जो उनके गुरुधाम है व मंदिर है उनकी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश के जिहड़ी राजनीतिक स्थिति है वह बहुत खराब हो चुकी है और उत्थे पीड़ां जिहड़ियां ने वह उगर होईयां ने। साडी जिहड़ी वड्डी चिंता है वह इस गल दी है कि उत्थे साडे इतिहासक स्थान है, श्री गुरु नानक पातशाह जी दे नाल संबंधित पावन अस्थान है और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल संबंधित भी उत्थे पावन अस्थान है। जिवें कि खबरां आ रहियां ने कि उत्थे घट गिणतियां दे जिहड़े स्थान है धार्मिक उन्हां नूं निशाना बनाया जा रहा है। यह बहुत ही मंदभागी गल है, घट गिणतियां दे धार्मिक स्थानों नूं भीड़ां वल्लों उग्र हो के निशाना बनाउणा यह साडे वास्ते बहुत चिंता का विशा भी है। भारत सरकार नूं असीं यह अपील करना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिन्हें भी घट गिणतियां नाल संबंधित स्थान है, चाहे साडे वह गुरधाम है इतिहासक ते चाहे वह मंदिर ने, उन्हां दी सुरक्षा भारत सरकार जिहड़ी है वह यकीनी बनावे, सानूं वड्डा फिकर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। पिंजरापोल गौशाला फोकल पॉइंट अमृतसर स्थित श्री गोविंद गोधाम मंदिर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में भगवान शंकर जी के 108 शिवलिंग बनाकर पूजन किया गया। इस मौके पर आचार्य महेश शास्त्री, आचार्य हरीश शास्त्री सहित अन्य विद्वानों ने विधिवत पूजन करवाया। इस अवसर पर फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संदीप खोसला, नवल गुप्ता, विजय अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, अंकुर गुप्ता, भूपेंद्र खोसला, नीरज गुप्ता, सुनील गुप्ता, सीए शिव गुप्ता, अंशुल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज पार्थिव शिवलिंगा की पूजा की गई है। आज 41 परिवारों ने आज 108 शिवलिंगा की पूजा की है। लोगों ने बहुत हुम मा के इस प्रोग्राम च हिस्सा लिया है और भी संगत बहुत आई है। सावन का महीना है, इस भगवान शंकर की सेवा की खास महत्ता है। पूजा करनी चाहिए, बस यही है। जय श्री राम, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। आज श्री गोविंद गोधाम मंदिर फोकल पॉइंट गौशाला विखे 108 शिव पार्थिव शिवलिंग बना के 40 परिवारों ने पूजा की थी। पिछले साल भी असी प्रोग्राम रखिया सी, अज 40 इंडस्ट्रीज परिवारों ने इहदे शामिल हो के 108 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के हर एक परिवार ने 108 शिवलिंग बना के उसकी पूजा की है। यदि बहुत ज़्यादा महत्ता है क्योंकि सावन के महीने के अज सोमवार भी है, तो भोले शंकर का वार भी है और भोले शंकर की जी पूजा है यदा बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 10 बजे पूजा शुरू हुई थी, हूँ 5 मिनट का विश्राम है, 1 बजे है इसलिए, हजे भी घंटा डेढ़ घंटा चलनी है। सर,
शिवलिंग जेडे भी विभिन्न विभिन्न शिवलिंग है जेडे विभिन्न विभिन्न भोले शंकर दे रूप है या जेडे उन्होंने स्वरूप है सारे बना के विधि दे नाल हर एक परिवार अपने हाथ नाल एक दिन पहले 108 शिवलिंग बनाता है फिर 108 शिवलिंग की इकट्ठे पूजा होती है जिदा माला दे 108 मलके मनके है ऐसा इस 108 शिवलिंग की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। अमृतसर पीजा कोल गौशाला के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है 2024-19 इस मंदिर की स्थापना हुई सी 5 साल पहला और तुम देख रहे हो कि हर फंक्शन जोड़ा है बहुत धूमधाम मनाया जाता है। मैं समझना कि जिस तरीके नाल आज शिवजी की आराधना की गई है 101 शिवलिंग पूजे पूजित किए गए ने अमृतसर के शायद पहला इतिहास के होगा और मैं बहुत सारे ही शिव भगतों अमृतसर पंजाब गौशाला वालों उन्होंने साधुवाद करना वा और मैं चाहता वा कि इस तरीके नाल जिस तरीके नाल फंक्शन मनाए जा रहे हैं वो मनाए जाएंगे। एक मैं होर अमृतसरी जनता को अपील करना चाहवागा कि असी काउ सेवक सेव योजना शुरू की गई है एक गाँव का खर्चा 700 रुपये रोज 70 रुपये रोज का है 21 रुपये महीने का खर्चा आता है। जो कोई काउ सेवक बनना चाहे कि गाँव की पूजा करके वह गाँव वो हो जाती है वो आजीवन वो सेवा करता है 21 रुपये हर महीना देता है कट्ठा दबे से कट्ठा देता है 25,000 रुपया 6 महीने का देवे 12,500 देता है। तो मैं समझना कि बहुत वही सेवा जिन्हें 33 कोटि देवी देवता गौ माता विराजमान ने और इतने गौ माता की सेवा जी है देख रहे हो कि जो नस्ल सारी गौशाला की है किसी पंजाब किसी भी नहीं गौशाला की होगी। ऑस्ट्रेलिया निवासी NRI प्रमोद मेहती रत्ता और उनके परिवार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत समाज में बेटियों की शिक्षा के लिए एक नया अध्याय लिखा है। तो वहीं 19वें दिन के छात्रवृत्ति समारोह में मेहती रत्ता परिवार ने 150 से अधिक छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। श्री राम जन्मोत्सव कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने इस पहल की सराहना की और कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान बलदीप राज चौहान ने कहा कि भारतीय समाज में बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है लेकिन मेहंदी रत्ता परिवार ने इस मिथक को तोड़ते हुए शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह ना केवल आत्मनिर्भर बनती है बल्कि समाज में अन्याय के खिलाफ खड़ी होने की ताकत भी रखती है। वही रविंदर मेहंदी रत्ता ने इस अवसर पर बताया कि उनके भाई प्रमोद मेहंदी रत्ता पिछले 8 वर्षों से इस अभियान के तहत काम कर रही हैं और इस वर्ष का छात्रवृत्ति कार्यक्रम विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया गया जिससे इसे व्यापक स्तर पर देखा जा सका। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये कार्यक्रम न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया है और मेहंदी रत्ता परिवार के इस प्रयास को व्यापक समर्थन और प्रशंसा मिली है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी भरा दिन है जिसे चामुंडी तीज चल दी पे बहुत पवित्र महीना है भगवान शिव का महीना है। इस महीने दे विच असीं बहुत सारे उत्सव मनाने हैं और उहदे नाल नाल जो मेहंदी रत्ता परिवार ने एक उत्सव रचाया है मैं समझना कि यह भी छोटा जिहा उत्सव नहीं। प्रमोद जी और रविंदर जी पिछले काफ़ी समय तो जो समाज की सेवा करते ने पे इहदा कोई अंदाजा लगाना या कीमत लाना सूरज नूं चिराग दिखाने वाली गल होएगी। जिस तरह सूरज नूं कोई दीपक दिखा दीए तो उहदी कोई वैल्यू नहीं होंदी। सूरज सूरज ही है उहने सारी सृष्टि नूं रोशन कीता और इहनां दा मकसद इह होइआ है कि जो इहनां मिशन लै के चलदे ने पै कि साडे समाज दीआं खासकर लड़कियां जिन्हों का भविष्य अक्सर देखने आता सी बहुत ही धुंधला जहा होता सी लेकिन आज के समय के
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ 14 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, 14 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਛੁਆਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬੱਸੀ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨਾਤਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਰਵੀ ਖੰਡੀਆ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਨੀਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਐਸੀ ਕੋਟਾ 60% ਲਾਗੂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਨੀਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਨਰੇਸ਼ ਵੈਦ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੀ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12.5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਿੱਘਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਪਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੱਤਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨਥਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵੀ ਖਾਂਡੀਆ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਬਾਲ ਵ ਯੁਵਾ ਗਾਇਕੋਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦੀਏ।
इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सवरिया चंदन, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर पहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और कुछ ना करो, बस इतना करो, पास मेरे तुम्हारी निशानी रहे, निशानी रहे देवा, मेरे देवा, देवा, मेरे देवा। हर करम तेरी खातिर किए हर कदम मेरा तेरे लिए मैं रहूं ना रहूं बस इतना कहूं सबके होठों पे अपनी कहानी रहे कहानी रहे देवा ओ मेरे देवा देवा ओ मेरे देवा ओ मेरे देवा तेरी मेहरबानी रहे जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे देवा मेरे देवा मेरे देवा भूल से भी हमें याद कर लो भूल से भी हमें याद कर लो मुझसे देवा कोई बात कर लो मुझसे देवा कोई बात कर लो और कुछ ना करो बस इतना करो पास मेरे तुम्हारी निशानी रहे निशानी रहे देवा ओ मेरे देवा देवा ओ मेरे देवा देवा मेरे देवा द्वारे चलिए द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए चलिए ओ आया ले आया।
ਪਾਸੇ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਰਿਮ ਜਿਮ 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 ਸਾਵਣ ਪਰਸੇ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਆਈ ਰੁੱਤ ਮਤਵਾਲੀ ਓ ਜੈ ਮਾ ਜੈ ਮਾ ਕੋਇਲ ਭੋਲੇ ਬੈਠ ਆਮ ਕੀ ਡਾਲੀ ਬੈਠ ਆਮ ਕੀ ऊंचे पर्वत भवन सुनहरा छाई है हरियाली पिंडी रूप विराजे मैया भक्तों की रखवाली रे आया ओ आया ओ आया सावन का मेला लेने नजारे चलिए वारे चलिए मैया के वारे चलिए वारे चलिए मैया के वारे चलिए ਸਾਡੇ ਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
हर वेले हर थाम आइए सुबह सवेरे सरी की वेले सुबह सवेरे सरी की वेले जप दे हाँ तेरा नाम आइए जप दे हाँ तेरा नाम आइए अंग संग सा Don't come.
जपदे हां तेरा नाम आइए, जपदे हां तेरा नाम आइए, अंग संग साडे रमी हमेशा, अंग संग साडे रमी हमेशा, हर वेले हर थाम आइए, सुबह सवेरे सरी वेले, सुबह सवेरे सरी वेले, पहाड़ा वाली बसनी है क्यों तू, मेरी मंदरा वाली माँ बसनी है क्यों तू, पहाड़ा वाली बसनी है क्यों तू, पहाड़ा वाली बसनी है क्यों तू, केड़ी गलों मजबूर, केड़ी गलों मजबूर, पहाड़ा वाली बसनी है क्यों तू, जोता वाली बसनी है क्यों तू, कलियां तो भी फूले ते कच्चे बच्चिया वाली तेरे बच्चे, कलियां तो भी फूले ते कच्चे बच्चिया वाली तेरे बच्चे, कलियां तो भी फूले ते कच्चे बच्चिया वाली तेरे बच्चे, सदरा हुईया सब चूर, सदरा हुईया सब चूर, माँ केड़ी गलों मजबूर, केड़ी गलों मजबूर, जोता वाली बसनी है क्यों तू, पहाड़ा वाली बसनी है क्यों तू, रोने रह
बोलिए सांचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर संकीर्तन Thank you.
में सब कुछ है पराया झूठी है सब माया। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के लाजपत नगर निवासी कपड़ा व्यापारी ने गत दिनों खुद को मारी थी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। फिरोजपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले दो लोगों को किया गिरफ्तार, 3,42,000 रुपयों की नकदी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।